पिछले कई दिनों से दरभंगा में चोरी की लगातार मामले सामने आ रही है, जिससे पुलिस के रातों की नींद और दिन का चैन खो चुका है। एक बार फिर से दरभंगा शहर में लाखों की चोरी का वारदात आया सामने, और वह भी दिन दहाड़े। आपको बता दें, लहरियासराय स्थित गुदरी बाजार में गंगा वस्त्रालय स्टाफ विकास कुमार झा से लूटी। जब वह 2,41,000 बैंक में जमा करने जा रहे थे, तभी गुदरी बाजार से निकलने से पहले ही दो बाइक सवार पहुंचकर पीछे वाले बाइक सवार ने पिस्टल सटाकर और पैसा लेकर निकल गए। उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराधी को पकड़ने के कोशिश में लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने दावा किया है जल्द ही मामले का उत्पादन होगा और अपराधी सलाखों के पीछे। लेकिन इस तरह की घटना दरभंगा वासियों के लिए काफी घट रही है, क्योंकि अगर अपराधी इस तरह से दिन दहाड़े लूट मचाते रहेंगे तो जो लोग पैसा मेहनत से कमाते हैं उनके लिए खतरा का विषय बना हुआ है। सर, हम अपने भाई को, मैं रोशन कुमार जी, अपने भाई को भेज रहा था विकास कुमार को जी, बैंक यहाँ प्रकाश गंगा गुदरी बाजार लहरिया शहर से जी, आई डी भी है दरभंगा के लिए जी। और कुछ अपराधियों ने बंदूक के नोक पे हमारे भाई से पैसा छीन लिया। कितने के संख्या में अपराधी थे? 2 के संख्या। और कितना पैसा आपने अपने भाई को दिया? 2,48,500। कितने बजे की घटना है ये? 1 बजे की। कितने बजे आपकी दुकान से निकला और कहाँ पर घटना घटी? एक गली में, न्यू मार्केट जो गली निकलती है उस गली में हुई है। आपका दुकान कहाँ पर है? अभी गुदरी बाजार लहरिया शहर में, लोहिया धर्मशाला के पास। लोहिया धर्मशाला किस थाना अंतर्गत पड़ता है? लहरिया शहर थाना। थाना को सूचना दी तो थाना कितने देर में आई? सर, 10 मिनट के अंदर में आ गई। सर आ गई अभी जो समय है उसके मुताबिक थाना अभी क्या काम किया, अभी तो कुछ पता चला है? नहीं, काम छानबीन कर रही है जी। और आपने, प्रशासन एक्टिव है अभी। आपने आवेदन लिख के दिया था जी? क्या घटना घटी? जी, आवेदन दिया। आप ही प्रोप्राइटर हैं दुकान के? जी। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। और आपके भाई का? विकास कुमार। सर, लहरियासराय थाना अंतर्गत गुदरी बाजार में 2,48,000 का एक कपड़े व्यवसाय से छिनते का मामला आ रहा है सर। सर, क्या कुछ जानकारी है सर? जानकारी ये है कि आज ही दोपहर गुदरी बाजार के आसपास इस कपड़ा व्यवसायी के स्टाफ जो लगभग 2.5 लाख रुपये लेकर बैंक में जमा कराने के लिए जा रहे थे, उनसे मोटरसाइकिल पर कुछ 2 अज्ञात सवार थे जिन्होंने उनसे छिनताई की घटना को अंजाम दिया है। अभी उस पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची है और सीसीटीवी वगैरह कुछ फुटेज संभाला जा रहा है, आगे की जांच की जा रही है। उम्मीद है जल्दी वो पकड़े जाएंगे। सब कितने के संख्या में अपराधी थे इसकी क्या जानकारी? 2 की संख्या थे, वो सीसीटीवी फुटेज में ऑलरेडी दिख रहा है, 2 लोग थे बाइक पर। देखा जा रहा है कि दरभंगा में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, आम लोग के आप खास घरों में भी चोरी होने लगी है, तो चोरों से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है? गृहभेदन की घटनाएं बढ़ी हैं विगत 2 माह से। इसको लेकर एक डिटेल हम लोगों ने मीटिंग की थी SDPO सदर के साथ और जो लोकल थानेदार हैं टाउन एरिया के उनके साथ, और इस पर विस्तृत चर्चा की गई कि इसको रोका जाए और इसको जो केसेस हुए हैं उनका डिटेक्शन हो, गिरफ्तारी हो, केस में रिकवरी हो। उसके लिए रात्रि समय में जो 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक खास करके, उसमें हम लोगों ने मोटरसाइकिल पे भी कुछ जवानों को लगाया है जो गलियां हैं उनमें गश्ती करने के लिए, पैदल गश्ती की व्यवस्था की गई है और सभी पदाधिकारी, थानाध्यक्ष भी, सर्कल इंस्पेक्टर भी, SDPO भी और हम खुद भी इसको अचूक रूप से जांच कर रहे हैं कि सभी लोग ड्यूटी पर मुस्तैद रहें। जो घटनाएं घटी हैं उनके डिटेक्शन के लिए टेक्निकल टीम भी लगी हुई है और हम लोग आसूचना भी संकलन कर रहे हैं। हम लोग को उम्मीद है कि बाहर से कुछ लोग हैं जो यहाँ पे लोकल रह रहे हैं और ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, क्योंकि जिन घरों में किया गया है वो समृद्ध लोग के घर हैं और वहाँ पे बाई चांस उनको उस कमरे में वो प्रवेश कर जा रहे हैं या किसी और का हाथ है, उसके लोकल को इनपुट है उस चोरी में, उस बिंदु पर भी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। उम्मीद है कि इन सब इनिशिएटिव से गृहभेदन की घटनाएं रुकेंगी और जो पहले घटनाएं हुई हैं उनका डिटेक्शन हम लोग कर पाए। थैंक यू।